जैन समाज के प्रसिद्ध संत गुरु रत्न सागर महाराज के 81वें जन्म दिवस पर देपालपुर में विशेष आयोजन आयोजित किया गया, जहां 24 अवतार मंदिर परिसर में स्थित गौशाला पर जैन समाज ने गायों को 56 भोग लगाकर गौ सेवा की। देखिए रिपोर्ट। देशभर में प्रसिद्ध देपालपुर के 24 अवतार मंदिर परिसर में स्थित गौशाला पर जैन समाज के प्रसिद्ध संत गुरु रत्न सागर महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नगर के जैन समाज के द्वारा जैन संतों के संग चल समारोह निकाला गया और 24 अवतार मंदिर स्थित गौशाला पर 56 भोग लगाया गया। वहीं इस दौरान समाज के वरिष्ठ लोगों ने अपनी बात रखी। आज उस महोत्सव का प्रारंभ अबोल जीवों को आहार देकर कर करके उनकी सेवा कर 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 करके इस महोत्सव का प्रारंभ किया है, क्योंकि यही जीवों की सेवा, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव वही व्यक्ति को अनंत पद तक लेकर करके जाता है, वही व्यक्ति को तीर्थंकर बना सकता है। वो जो तीर्थंकर बनना हो तो सभी जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। उसी करुणा के भाव के साथ सर्व जीवों को की सेवा के लक्ष्य से आज ये जीव दया के 56 भोग का आयोजन किया गया। जैसे गुरुदेव का, हमारे जो नवरत्न सागर जी हमारे साथ गुरुदेव है, जिनका देपालपुर पर असीम कृपा है, उन गुरुदेव का 81वां जन्म महोत्सव देपालपुर मनाया जा रहा है। उस प्रकार से जो गुरुदेव के जो शिष्य रत्न है आदर्श रत्न सागर जी हमारे साहब, उन लोगों की निशा में उन लोगों का आदेश हुआ था कि अपन एक जीव दया का एक बड़ा सा प्रोग्राम करें। उसमें श्री संघ द्वारा हमने हमारे परिवार द्वारा श्री संघ से विनती की गई और उसमें श्री संघ ने हमें लाभ दिया इसका। और इसमें गौ सेवा में 56 भोग जो लगते हैं, जैसे देव देवता 56 भोग लगते हैं, ऐसे अपन ने गुरुदेव के आदेश द्वारा सभी गाय को अपन ने 56 भोग का भोजन करवाया उसमें, और गुरुदेव का जन्मोत्सव अच्छा छाट से मनाया। उसमें गुरुदेव ने एक ये किया है कि अपन जो गौशाला भी छोटी है इसको बड़ी बनाने का गुरुदेव ने आदेश दिया है, ताकि आने वाले समय में, अभी आज 150-200 गाय का अपन संचालन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में गुरुदेव को ऐसे आदेश से कम से कम 500 गायों का अपन संचालन इसमें कर रहे हैं। ऐसे ही गुरुदेव ने आज सब लोगों को प्रेरणा दी है कि इसमें हम आगे बढ़ें और गौ सेवा आगे से आगे अच्छे से अच्छे अपन करते रहें। इसमें शांति विहार जो सेवा परिवार जो हमारे देपालपुर जुड़ा हुआ है, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, करीबन कल दिन से सुबह से लगे हुए थे, कल रात तक उन्होंने मेहनत की, आज सुबह भी 6:30-7 बजे आए और सब तरबूज वगैरह जो भी है अच्छे से अच्छे सब उनको भलपुर को सुधारा और गायों को भोजन कराया। बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज की महिला पुरुष भक्तगण मौजूद रहे, जहां गौशाला में उन्होंने रत्न सागर जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गौ सेवा भी की। इस दौरान मौजूद जैन संतों ने प्रवचन वीडियो साथ ही गौशाला को और भी विस्तार कर बड़ी बनाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देपालपुर।